नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फोटोशॉप से, और यहाँ देख सकते हैं कि बबलू बाइसन जी ने कमेंट किया है कि सर फोटोशॉप 4x6 में 13 फ़ोटो कैसे सेट होती है। तो सबसे पहले बबलू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप में जो साइज है, पेज का जो साइज है 4x6 है, और उसमें आपको 13 फ़ोटो सेट करना है। तो बबलू जी, आपने ये नहीं बताया कि किस साइज का आपको फ़ोटो बनाना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनाना है कि स्टैम्प साइज का फ़ोटो बनाना है, या आपका पासपोर्ट साइज थोड़ा सा जो बड़ा साइज का रहता है वो फ़ोटो बनाना है, कौन सा साइज का फ़ोटो आपको 13 फ़ोटो आपको सेट करना है 4x6 में, ये आपने नहीं बताया। तो चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टैम्प साइज का अगर फ़ोटो है तो उसे कैसे सेट करेंगे, 13 फ़ोटो कैसे सेट करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ देखिए, फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, ये 4x6 का ये पेज का साइज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज साइज में जाते हैं तो देखिए जो आपने कमेंट किया था, तो यहाँ पे 4x6 का देख सकते हैं पेज लिया हुआ है, और इतने सारे फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, 13 से ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो सिंपल तरीका है, आपको ये ज़रूर बताना चाहिए था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या पासपोर्ट साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का वो फ़ोटो है या स्टैम्प साइज़ का कौन सा फ़ोटो आपको सेट करना है। तो चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, उसके बाद साइज़ आप जैसे चाहें ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, वो फ़ोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट साइजेस है, इसमें क्लिक करके जैसा आपने कमेंट किया है, 4x6 का आपको चाहिए तो 4x6 ले लिया हम लोगों ने। 4 इंचेस हाइट देखिए 6 इंचेस है, रिजोल्यूशन 300 है, मोड RGB है, यहाँ पे कंटेंट जो है वाइट रखा है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो ये 4x6 का पेज मेरा 4x6 का पेज आ चुका है। अब रहा सवाल फ़ोटो आपको लाना है, 13 फ़ोटो लाना है, 13 फ़ोटो आपको ले जाना है इसके अंदर, इस पेज के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ़ोटो को लेकर आते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, ओपन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरह को ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब जो भी फ़ोटो का आपको ले जाना है, वो फ़ोटो को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से वो फ़ोटो लेकर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक नॉर्मल सा फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ये ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया। मान लेते हैं स्टैम्प साइज़ का मुझे फ़ोटो बनाना है, तो स्टैम्प जो साइज़ रहता है तो हमें बनाना है। तो स्टैम्प साइज़ का हम लोग कैसे लेंगे, ये पूरा का पूरा फ़ोटो स्टैम्प साइज़ में नहीं लेना है, इसका कुछ हिस्सा हमें फेस का ये स्टैम्प साइज़ का फ़ोटो बनाना है। तो साइज़ कैसे लेंगे, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ़ोटो लाने के बाद ये आपका क्रॉप टूल है, तो क्रॉप टूल पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जिस साइज़ का आपको बनाना है, यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रॉप टूल पे आप क्लिक कीजिएगा, ऊपर देखिएगा उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा। तो स्टैम्प साइज़ का जो साइज़ होता है वो आपका चौड़ाई होता है 20 mm का, तो यहाँ पे मुझे लेना होगा 20 mm, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। अगर mm करना है तो mm लिखना होगा आपको, लिख दिया 20 mm। अगर इंचज़ करना है तो IN लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखने के बाद बगल वाले पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 20 mm हो चुका है। अब यहाँ पे हाइट जो लेना है आपको 25 mm, 20x25 mm का स्टैम्प साइज होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25 mm कर देता हूँ, ये हो चुका है, देख सकते हैं 25 mm 20x30। अब कर्सर यहाँ पे अगर मान लेते इसमें क्लिक करेंगे, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। रिजोल्यूशन 300 रखा है पिक्सल, और बाकी एज इट इज़ है, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉप टूल सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे वो आपका साइज़ सेट करना है। उसके बाद क्रॉप टूल पे ये फ़ोटो जो है इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जितना हिस्सा आपको चाहिए चेहरे का, उतना हिस्सा आपको इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मुझे इतना रखना है, इतना साइज़ का मुझे स्टैम्प, छोटा होता है स्टैम्प का जो साइज होता है वो छोटा होता है, ये देख सकते हैं, ये सेट कर लिया, इसको मिडिल पॉइंट थोड़ा ठीक कर लिया। ये देखिए ये साइज़ का ले लिया मैंने, साइज ले लिया। अब आपको क्या करना है, या तो राइट क्लिक करके यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज लेयर में जाइए, यहाँ पर इमेज में जाइए, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पे वो फ़ोटो आ चुका है स्टैम्प साइज का। अब ये जो 4:6 का जो पेज है मेरा, जो पहले बिगनिंग में मैंने ले रखा है, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इमेज साइज में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इमेज साइज का डायलॉग बॉक्स आता है, जो साइज आपने कहा था 4:6 यहाँ पे लिया हुआ है ऑलरेडी, ये देख सकते आया हुआ। अब ये जो फ़ोटो जो क्रॉपिंग किया हुआ है, अब ये मूव टूल पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो पे माउस पॉइंटर रखेंगे और इसके ऊपर माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए लाके इसको यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए एक फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी को आपको ऑल्ट की यहाँ पे देखिए इसका डुप्लीकेट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे लाके रखा, ऑल्ट की आपको दबा के रखना है, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो इसका एक कॉपी बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रखा है मैंने, ऑल्ट की दबाया और उसको ड्रैग करेंगे, एक कॉपी यहाँ बन गया, एक कॉपी फिर ऑल्ट दबाया यहाँ पे, ये स्टैम्प साइज का फ़ोटो देखिए ये बन गया, 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। फिल्ट ऑल्ट की दबाया, यहाँ पे सेट कर दीजिए, ऑल्ट की को छोड़ना नहीं है और इसको ले ड्रैग करना है, इस तरह माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। ये देखिए 4:4:8 हो गया, और सेट करना है, यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये देखिए, ये देखिए ये आ गया, इस तरह आपको सेट कर लेना है। स्टैम्प साइज का फ़ोटो है ये, ये देखिए ऑल्ट की दबा के रखिए, उसके बाद इसे इस तरह ड्रैग कीजिए, इस तरह सेट करते जाइए, ये देखिए हो चुका है, इसको भी ड्रैग करके यहाँ से भी इसको भी ऑल्ट की दबा के रखिए और ड्रैग कीजिए, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए देख सकते हैं आपने जैसे 13 फ़ोटो बोला था, देखिए 4:4:8, 4:12, 4:16 देख सकते हैं, 16 हो गया, और यहाँ पे 20 देखिए टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हैं, 5 रो तैयार हो गया। आपने 13 फ़ोटो जैसा आपने यहाँ पे कमेंट किया था, यहाँ पे जैसा आपने यहाँ पे देखिए कमेंट किया था आपने, 13 फ़ोटो आपको चाहिए यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बल्लू बाइसन जी ने कमेंट किया था फोटोशॉप 4:6 में 13 फ़ोटो, तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 से भी ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे लाके मैंने रख के दिखा दिया। अब होता है पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है, बहुत बार देखिएगा स्टूडियो में आप जब फ़ोटो निकालने जाते हैं पासपोर्ट साइज़ का, तो उसमें पासपोर्ट फ़ोटो के साथ साथ आपको देखिए स्टैम्प साइज़ भी फ़ोटो साथ में दिया हुआ रहता है, पासपोर्ट साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का भी रहता है, तो उसका जो साइज़ रहता है वो है 25 mm और 35 mm का रहता है, तो और ये आपका उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो रहता है 30x40 mm का भी रहता है, तो इस तरह आप फ़ोटो जो भी जिस साइज़ का आपको फ़ोटो चाहिए उस तरह आप यहाँ पे लाके सेट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। आपने 13 फ़ोटो बोला था, यहाँ पे 20 फ़ोटो मैंने लाके यहाँ पे रख दिया है, ये सिंपल तरीका है। और भी कुछ जानना चाहते हैं बबलू जी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।